नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ONGC क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। काफी शानदार रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस किए हैं, तो FY 23-24 क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में हम बात करते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो क्वार्टर 4 में ONGC ने रेवेन्यू रिपोर्ट की 1.66 लाख करोड़ रुपीज, जो की लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.64 लाख करोड़ था। वही EBITDA हमें देखने को मिला है क्वार्टर 4 25,772 करोड़, जो की लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 15,752 करोड़। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें 78% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 11,526 करोड़, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 6,478 करोड़ था। और इसी के साथ कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 2.50 रुपीज पर इक्विटी शेयर विद फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज, जो की अभी शेयर होल्डर से अप्रूवल मिलना बाकी है। आइए ऑपरेशनल हाईलाइट जानते हैं। तो क्रूड ऑयल रियलाइजेशन एंड प्रोडक्शन, तो क्रूड ऑयल रियलाइजेशन $80.81 पर बैरल रहा क्वार्टर 4 में, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में $77.12 पर बैरल था। वहीं क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, तो कंपनी ने टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में हमें 2.4% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने 5.359 मिलियन मैट्रिक टन्स का प्रोडक्शन किया है। वही हम गैस प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो गैस प्रोडक्शन में हमें 3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस। कंपनी ने 5.101 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का गैस प्रोडक्शन किया है। डिस्कवरीज एंड ड्रिलिंग्स की बात करें, तो ONGC ने 11 स्पॉट्स डिस्कवर किए हैं, 6 इंडिया में 5 ऑफशोर। ड्रिलिंग एक्टिविटी की बात करें, तो कंपनी ने 541 वेल्स में ड्रिलिंग की है, जो कि पिछले 34 इयर्स में हाईएस्ट है। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें, तो कंपनी का केपेक्स रहा है, कंपनी ने 37,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इन FY 24, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 30,208 करोड़ था। तो आप अगर कंक्लूजन की बात करेंगे, तो ONGC के रिजल्ट्स काफी शानदार रहे। हमें प्रोडक्शन में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और ONGC का स्टॉक हम देखेंगे, तो अभी जैसे चार्ट देख रहे हैं आप, स्टॉक अभी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। सपोर्ट लेवल है 255 का, वहीं रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 293 रुपए पर, और अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 280 पर। तो दोनों में से अप एंड डाउन में से कोई भी लेवल तोड़ता है, तो आगे हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।